मध्य प्रदेश शिक्षण पात्रता परीक्षा के बाद चयनित अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया का लंबे समय से इंतजार करना पड़ रहा है। आलम यह है कि परीक्षा हुए करीब 3 वर्ष बीत चुके हैं, मगर अभी भी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की कोई उम्मीद नहीं है, जिससे खफा होकर शनिवार को चयनित अभ्यर्थियों ने राजधानी भोपाल के प्रदेश भाजपा कार्यालय के सामने नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। चयनित शिक्षकों की मांग है कि उन्होंने 2018 में शिक्षक भर्ती परीक्षा पास की थी, मगर 3 साल बीत जाने के बाद भी प्रदेश सरकार उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दे पाई है। चयनित विद्यार्थियों का आरोप है कि दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, जिसके चलते उन्होंने नाराज होकर भाजपा दफ्तर के बाहर सड़क पर धरना देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इन सभी महिलाओं की एक ही मांग थी कि उन्हें शीघ्र नियुक्ति दी जाए। मामले में मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि वे प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से सरकार तक मांगे जरूर पहुंचाएंगे। भोपाल से मृदुभाषी के लिए मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।